इंसान को सिर्फ एक बहाने की तलाश होती है, कुछ बड़ा करने के लिए भी और सब कुछ बीच में छोड़ने के लिए भी। वैसे जो तूफानों में पलते जा रहे हैं, आज वही दुनिया बदलते जा रहे हैं। और इन तूफानों से लड़ने के लिए मेहनत के साथ साथ आखिर चाहिए क्या? सिर्फ संयम। संयम है क्या? एक युद्ध अपने ही विरुद्ध, जो तुम्हें डटे रहने के लिए हिम्मत दे, चाहे एक साथ हजारों मुसीबतें क्यों न घेर ले। क्योंकि मंजिल और रास्ते अगर जिद्दी बनते जाए तो खुद को भी जिद्दी और बड़ा करते जाओ। और ये कभी मत भूलना कि तीर को पीछे खींच कर ही आगे छोड़ा जा सकता है। इसीलिए जब जिंदगी मुसीबतों के साथ खींचे, तब समझ लेना वो आपको कुछ बड़ा देने वाली है। तो आप अपनी जिद बरकरार रखो। जो चीज आपको चैलेंज करती है, वही चीज आपको चेंज करती है। डटकर खड़े रहो हजारों मुसीबतें ही सही, क्योंकि नामुमकिन तो कुछ भी नहीं। दोस्त, सफलता सही निर्णय के बाद ही आती है, लेकिन सही निर्णय असफलता के बाद ही आता है। अरे जब अपनी मेहनत पर आस्था है तो उलझनों में भी रास्ता है। चाणक्य हमेशा कहते थे, अगर आप बहुत ही बुरे वक्त से गुजर रहे हो तो सबसे बढ़िया समाधान यही है कि चलते रहो, रुको मत, बुरा वक्त खुद ही गुजर जाएगा। फिर एक दिन वो आए, तुम हंसो उन बातों पर जिसमें तुमने आंसू बहाए। आज हर लोग अपनी ख्वाहिशों को, अपने पैशन को मारकर अपनी जिंदगी से समझौता कर रहे हैं। लेकिन हर कदम में जिंदगी से समझौता क्यों किया जाए? माना कि शौक जीने का है, मगर इतना भी मत रखो कि मर मर के जिया जाए। भाई, उम्र बिना रुके सफर कर रही है और हम ख्वाहिशों को लेकर वही खड़े हैं। क्या ये सही है? नहीं है, क्योंकि समय और उम्र को बर्बाद करोगे तो वो भी तुम्हें बर्बाद कर देगी। और मेरा यकीन मानो, समय जब निर्णय करता है तब गवाहों की जरूरत नहीं होती। और एक बात, इस सफर में नींद और निंदा पर जो व्यक्ति जितनी जल्दी विजय हासिल कर लेगा, उन्हें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। ज्यादा नींद पर काबू पाना तुम पर निर्भर करता है, और निंदा भले ही लोग तुम्हारी करें, लेकिन वो भी तुम पर ही निर्भर करता है, तुम उसे कितना सही और कितना गलत समझते हो। वैसे तजुर्बा तो यही कहता है कि यहाँ हर किसी को दरारों में झांकने की आदत है, लेकिन दरवाजा खोल दो तो साला कोई पूछने भी नहीं आएगा। शायद इसीलिए अकेले ही लड़नी पड़ती है जिंदगी की लड़ाई, क्योंकि लोग तसल्ली देते हैं साथ नहीं। और यहीं से इंसान का असली रूप भी दिखाई देता है। फिर चाहे वो नशा, शराब, रूप, पद, कद या फिर पैसे का ही क्यों ना हो, पर अक्सर लोग ये भूल जाते हैं कि फर्क सिर्फ सोच का है। वरना जो सीढ़ियां ऊपर ले जाती है, वही नीचे भी लाती है। इसलिए जब भी गिराने वाले तुम पर हावी होने लगे, तब सिर्फ इतना याद रखना, तुम जितना मर्जी जी जान से मेहनत कर लो, फिर भी तुम इन लोगों की नजरों में कुछ नहीं करने वाले ही होंगे। और ऐसे लोग जो कुछ नहीं करते, वही एक दिन कमाल करते हैं। मेहनत का रंग नहीं होता, मगर ये रंग ले आती है। सफलता लेकर भी आजमाती है और देकर भी आजमाती है। हमेशा लोगों की बातों को सच मान लेना भी तो गलत है। यही दिमाग के कच्चे लोग बच्चे ही रह जाते हैं। अरे समझदार तो वो होता है जो सुने भी और भुला भी सके। जब बात सच हो तब सुन ले, और बेवजह हो तो निकल ले। वैसे हर इंसान अपनी जुबान के पीछे ही छुपा होता है दोस्त। अगर उसे समझना है तो उसे बोलने दो। क्या खूब कहा है किसी ने, तारीफ अपने आप की करना भी फिजूल है, क्योंकि खुशबू तो खुद ही बता देती है कौन सा फूल है। हर आदमी अपनी जिंदगी में हीरो होता है, मगर अफसोस की बात यह है कि ज्यादातर लोगों की फिल्में रिलीज ही नहीं होती। वीडियो के एंड में बस इतना ही कहूंगा, आज अक्सर लोगों को ये नहीं पता कि वो क्या है और एक दिन वो क्या बन सकते हैं। शायद इसीलिए आज सफल लोगों की संख्या लाखों में ना होकर बस कुछ ही परसेंट में है, क्योंकि बिना ये जाने कि एंड में हम क्या बन सकते हैं, ये एक रिस्क होता है। रिस्क होना गलत नहीं है, पर ज्यादातर लोग इस रिस्क को किस्मत का खेल समझते हैं, और कुछ लोग इसे मेहनत और दिमाग का खेल समझते हैं। तब यहीं से पहचान की जाती है लाखों में लोगों का झुंड और परसेंटेज में विजेता। मैं हूं कैलाश रौतेला, सीधी जलेबी मोटिवेशन का क्रिएटर, और वादा किया है मैंने खुद से, खुद को और अपने इंडिया के ज्यादा से ज्यादा लोगों को सक्सेसफुल बनाने का। तो कोई भी प्रॉब्लम हो या डेली मोटिवेशन के लिए मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते